आज हम अपने लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की है उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल और अनकलेक्टेबल एक्सपेंस के हवाले से हमने कुछ एंट्रीज जो हैं वो डिस्कस की थी। लेक्चर को अपने जहन में रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं। हमने सबसे पहले जो है वो एक एंट्री की थी जिसमें हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, या आप ये समझ लें कि हम अपने अनकलेक्टेबल अकाउंट के एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं। वो पहली एंट्री होती है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और प्रोविजन क्रिएट हो जाती है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाता है। दूसरी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं राइट ऑफ करने की, कि जब वाकई में एक्चुअली पता लग जाता है कि ये बैड डेट्स हो गए हैं और हमने अपनी प्रोविजन को कम करना है, अलाउंस को कम करना है, तो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को डेबिट कर देते हैं और अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। ये दो एंट्रीज होती हैं, इनको सामने रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। और इसी तरह से जब अपने अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हैं वो अनएक्सपेक्टेडली रिसीव हो जाते हैं तो हम रिवर्सल एंट्रीज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अपना प्रीवियस लेक्चर प्रिपेयर होगा, इसको अगर प्रिपेयर है तो ही आज की डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो बुक का पेज नंबर 318 है, आपके सामने होना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम है इसके अंदर, पेज के बिल्कुल एंड पर लिखी हुई है। इसमें अगर आप एंट्रीज देखें तो दिसंबर 1 की एंट्री है। पहली एंट्री है एक्सेप्टेड अ 1 ईयर 8% नोट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर, ग्लेन हॉलर उसका नाम है। द नोट इज इन सेटलमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग $1,500 अकाउंट्स रिसीवेबल, द नोट प्लस इंटरेस्ट इज ड्यू इन फुल ऑन November 30। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बड़ी आसान सी एंट्री है कि वो कह रहा है कि आपने एक पर्सन से जिससे कस्टमर से पैसे लेने थे, अकाउंट्स रिसीवेबल था, आपने उससे पैसे नहीं लिए, कैश नहीं लिया, बल्कि उसके बदले में नोट्स रिसीवेबल, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उस तरह से आपने एक नोट्स रिसीवेबल ले लिया। तो नॉर्मली जब हम एंट्री करते हैं, पैसे किसी से रिसीव करते हैं, तो क्या एंट्री होती है, कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल। लेकिन अब हम दिसंबर 1 में उससे कैश नहीं ले रहे बल्कि नोट्स रिसीवेबल ले रहे हैं, तो हम बस सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि कैश की जगह पर नोट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल जिनसे हमने पैसे लिए हैं यानी नोट्स लिए हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी एंट्री थी, इसलिए मैंने कहा चलें साथ ही डिस्कस हो जाएगी। तो 1500 का हमने उससे नोट्स लिया, तो नोट्स रिसीवेबल 1500 और ये 1500। अगले पेज पर इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप बाद में देखिएगा, फ़िलहाल इसको समझ लें। इस तरह से दिसंबर 8 की अगर एंट्री हम देखते हैं तो कहते हैं एन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एस विलियम्स इन द अमाउंट ऑफ 700 इज़ डिटर्मिंड टू बी अनकलेक्टेबल एंड इज़ रिटर्न ऑफ अगेंस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। अगर आप एंट्री को पढ़ें और गौर से समझें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 700 डिटर्मिंड टू बी अनकलेक्टेबल, ये आपको कन्फर्म हो गया है कि ये अनकलेक्टेबल है एंड इज़ रिटर्न ऑफ अगेंस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और आपने ये अकाउंट अलाउंस के अगेंस्ट जो है वो राइट ऑफ करना है। तो जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है अब आपको पता है कि ये बैड हो गए हुए हैं, आपके अनकलेक्टेबल हैं, तो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे। तो हम इसमें वो सेकंड वाली एंट्री करेंगे जिसमें हमें जब पता चल जाता है कि रियल में अनकलेक्टेबल हो गए हैं तो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल को डेबिट कर देंगे और हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि बैड हो गए हैं या अनकलेक्टेबल हैं या रिसीव नहीं होने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे कम हो जाएंगे, हम इसे क्रेडिट कर देंगे। और ये अमाउंट कितनी है, 700 से हम ये एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, दिसंबर 8 की एंट्री है। इसी तरह से दिसंबर 15 की अगर हम एंट्री करते हैं तो दिसंबर 15 में हमारे पास एंट्री पढ़ें तो क्या है, अनएक्सपेक्टेडली रिसीव 200 फ्रॉम एफ हिल एंड फुल पेमेंट ऑफ हर अकाउंट। कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली, हमें पता नहीं था लेकिन 200 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए एंड $200 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिल प्रीवियसली हैड बीन रिटन ऑफ एज अनकलेक्टेबल, और हम प्रीवियसली इसे अनकलेक्टेबल लिख चुके हुए हैं। जैसे हमने ये 700 लिखे थे ना, उसी तरह से हम इस 200 को भी प्रीवियसली लिख चुके हुए हैं कि ये हमारे बैड हो गए हैं। तो जब ये बैड होते हैं तो ये वाली एंट्री होती है ना,
तो अभी वो कह रहा है कि वो वापस आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एंट्री को रिवर्स करना है। पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, आप रिवाइज़ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी ये रिवर्सल एंट्री होगी। सबसे पहले हम अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये दोबारा से वापस आ गए हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्सल एंट्री। ये सिंपल, जब बैड होती है तो ये एंट्री होती है, जब वापस आ जाएंगे तो ये एंट्री वापस हो जाएगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ये आपके 200 से वापस आ, और जब इनसे पैसे मिल गए तो पैसे लेने की एंट्री भी आपको आती है, कैश वे डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। ये दो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो दिसंबर की 15 को आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, एक रिवर्सल की और एक कैश रिसीव करने की, इसकी भी सेम ही डेट होगी। दिसंबर 31 को अगर आप देखें तो आपके पास एक एंट्री आ रही है दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 में लिखा हुआ है, रिप्लेनिश्ड द पेटी कैश फंड, पेटी कैश वॉचर्स इंडिकेटेड, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 44, मिसेलिनियस एक्सपेंसेस 32। ये पेमेंट हैं, दो खर्चे हैं आपके, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, मिसेलिनियस एक्सपेंस भी डेबिट हो जाएगा, दोनों एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर देंगे। ऑफिस सप्लाइज, जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देख कर आप यहाँ पे डेबिट कर दें, ऑफिस सप्लाइज हैं और मिसेलिनियस एक्सपेंसेस हैं, सिंपल एक्सपेंस की जो एंट्री होती है, ये दोनों डेबिट हो गए हैं और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इनकी अमाउंट लिख लें, एक की है 44 और एक की है 32, दोनों मिलाकर टोटल अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा 4 to 6 76। ये आपकी सिंपल एंट्री कैश। अगले पेज पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है, प्रीवियसली आपने डिस्कस किया हुआ है तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर भी मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। द मंथ एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स, एक आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, चेक फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न NSF है, बैंक सर्विस चार्जेस हैं, बैंक ने अमाउंट कलेक्ट की है। तो सबसे पहले आपने इसमें से पॉइंट आउट करना है कि कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में याद है ना, दो पॉइंट्स होते थे, एक वो एरर्स होते थे जो बैंक की साइट पर होते थे और एक वो जो आपकी साइट पर होते थे। तो इसमें से वो चीज़ें आपने पॉइंट आउट करनी है जो आपकी साइट पर हैं। तो उसमें सबसे पहले देखें आप, आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स बैंक की साइट पर प्रॉब्लम होती है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक की साइट पर प्रॉब्लम होती है, NSF चेक नॉट सफिशिएंट फंड के जो चेक हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये चेक डिसऑनर हो गए हैं और आपने इनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपने इनको रिकॉर्ड करना होता है। एक ये एंट्री हो जाएगी 358 की, एक बैंक सर्विस चार्जेस की। पहले तो सबसे ये देखें, ये दो अमाउंट्स हैं जो आपने बैंक को देनी है, तो आपकी ये यहाँ पर ट्रीट हो जाएंगी। एक तो अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि वो पैसे आपको जो है वो डिसऑनर होने की वजह से दोबारा से आपके अकाउंट्स रिसीवेबल का हिस्सा बन गए, और दूसरे नंबर पर बैंक के सर्विस चार्जेस, ये दोनों डेबिट हो गए और आपका कैश इससे कम हो गया, तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। अकाउंट्स रिसीवेबल 358 अमाउंट है, बैंक के चार्जेस 10 हैं, टोटल मिलाकर 368, ये आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसी तरह से आगे लिखा हुआ है, बैंक ने कलेक्ट किए 20,000, बैंक ने कलेक्ट किए हैं, आपको नहीं पता लगा, अब आप रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट की एंट्री, जब आपको रिसीव होते हैं पैसे तो आप कैश को डेबिट कर देते हैं, यहाँ पर आप कैश को डेबिट कर देंगे। 20,000 टोटल कैश आपको रिसीव हुआ, और ये किस चीज़ से रिसीव हुआ है, लिखा हुआ है क्योंकि आपके कस्टमर से पैसे रिसीव हुए हैं, एक बिल था जो कि आपने रिसीव किया है, कैश इक्विवेलेंट्स कह लें, ट्रेजरी बिल कह लें, टी बिल्स भी लिख सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी अमाउंट बनती है 19,670 और इसमें 330 का इंटरेस्ट है, तो इसको अलग अलग हम क्रेडिट करेंगे। ये कैश इक्विवेलेंट आ गया, सिक्योरिटीज़ और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इसके लिए टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबर, जैसे प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, और इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 19,670 और 330, अलग अलग शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम थी, इसको देखें आप, अगर कोई मसला होता है तो पूछें। इसमें जो अब मज़ीद आपने काम करना है वो थोड़ा सा मैं आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ, अगले लेक्चर में हम इसकी तमाम काम को कंप्लीट करेंगे और ये आपका चैप्टर एंड हो जाएगा।